मैं अपना YouTube बंद कर दूं? हाँ भाई, आ गए लाइव। आ रही आवाज सभी को? हाँ भाई दोस्तों, सभी को आवाज आ रही है क्या? और कल सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, कल बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आवाज ज्यादा नहीं आ रही है क्लास में, आवाज बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। तो बताइए कि आज भी वही प्रॉब्लम है क्या? आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, या आवाज ठीक है? सभी के सभी लाइव आ जाइए पहले तो, गुड इवनिंग लिखिए और जल्दी से बताइए आवाज ठीक है या नहीं, बताइए जल्दी, चलिए फटाफट से एक बार सब लोग लाइव आ जाए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलो जल्दी से आ जाओ, एक बार कमेंट करके बताओ क्या आवाज ठीक है या नहीं। हाँ भाई बताइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल ओके? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों सभी के सभी आ गए हैं, आवाज ठीक है एकदम, है ना? सबको अच्छे से आ रहा है आवाज? नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी सेशन में जुड़ेंगे सभी को सेशन को लाइक करना है, समझ गए? चलिए तो देखिए दोस्तों, आज हमारा UPMRC के लिए ये जो मैंने कंट्रोल सिस्टम की सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, इसका क्लास नंबर 2 है, ठीक है? और आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने के लिए। जो भी डिप्लोमा होल्डर्स UPMRC का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके 2023 के एग्जाम में, इससे पहले वाले एग्जाम में आए हैं, वो आज की क्लास से ही बनेंगे सारे के सारे। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने पहले कभी कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये लेक्चर देख सकते हैं, आपको कोई फुल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बन जाएं। आ गई बात समझ में? कल की क्लास अगर नहीं देखी हो तो उसको भी देख के आना है, उसमें मैंने आपको बेसिक कंट्रोल सिस्टम और ब्लॉक डायग्राम की बात की है। आज मैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कवर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आई एम करेंटली वर्किंग इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई हैव ऑल्सो बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 6 इन केंद्रीय विद्यालय, एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन MPPGCL JEE एंड MP सब इंजीनियर। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस भाई 7 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, काफी समय हो गया पढ़ाते हुए, ठीक है ना? चलो आज की क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ऋषभ अग्रवाल EE को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने कल कर लिया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? सिग्नल फ्लो ग्राफ से। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? सिग्नल फ्लो ग्राफ बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन निकालने का ही एक मेथड है। इट इज अ मेथड टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। क्या निकालने का मेथड है मेरे दोस्त? ट्रांसफर फंक्शन निकालने का मेथड है, मेथड टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना? तो हम इससे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, लेकिन ब्लॉक डायग्राम मॉडल में रूल्स अलग होते थे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो रूल हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो, ये एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है ये वाला, ठीक है? इसके अंदर एक ये पॉइंट है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट। कल मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको? समिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग, है ना? समिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। और ये जो चीज है ये क्या है? ये कल मैंने आपको बताई थी, ये कहलाता है टेक ऑफ पॉइंट, है कि नहीं? अब सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर बनाना है इस ब्लॉक डायग्राम से, तो ये जो समिंग पॉइंट है और ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इन दोनों को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नोड में। किसमें मेरे भाई? नोड में कन्वर्ट कर देते। तो देखिए, ये एक नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, बस समझ में आ गया? तो किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में जब बदलना है तो समिंग पॉइंट हो या टेक ऑफ पॉइंट हो, नोड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? तो ये नोड आ गए। फिर ये जो गेन है जी ऑफ एस, ये हमने इस पाथ का गेन लिख दिया, ठीक है? इस पाथ का गेन हो गया, एक फीडबैक आ रहा है यहां से लेके वापस एक इधर आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे माइनस का HS आ जाएगा, फीडबैक के थ्रू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का HS। तो क्या आपको इस ब्लॉक डायग्राम से ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये समझ में आ गया, हाँ या ना?
आवाज और बढ़ा दूं? नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। आवाज वैसे तो बहुत तेज है मेरे दोस्त, पता नहीं क्यों कम लग रही है। मैं कोशिश करता हूं और। बताइए अब ठीक है आवाज? अब ठीक है आवाज, बोलो अब क्लियर है? बताइए क्या आप सही से आ रही है आवाज? हाँ अब बोलो। है ना अब ठीक है आवाज, हाँ या ना ये बताओ जल्दी से। एकदम क्लियर है आवाज, है ना? कोई दिक्कत नहीं, तेज आ रही है वॉइस, तो अपने आवाज को कम कर दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम मॉडल से सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोड में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी गेन की वैल्यू है जीएस एचएस इन सबको यहां पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? चलो अब देखो, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एक मेसन्स गेन फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मेसन्स गेन फॉर्मूला। ये जो मेसन्स गेन फॉर्मूला होता है ये आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्यों? जो भी डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके पेपर में ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर है बच्चों का, बीटेक वालों का, उनके भी मद्देनजर रखते हुए मैं इस फॉर्मूले को भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग डिप्लोमा वाले भी सुन लीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए, ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है? मेसन्स गेन फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं? ट्रांसफर फंक्शन ही निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन होता है समेशन के बराबर 1 to n, है ना? समेशन के बराबर 1 to n पी के इंटू डेल के डिवाइड बाय डेल्टा, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, ये पी के डेल के और डेल्टा जो है ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? देखिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग ले लेते हैं, ठीक है? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ पी के डेल्टा कैसे निकालते हैं। देखिए जो पी के होता है ना वो होता है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है? यहाँ पे देखो डेफिनेशन में पी के क्या है, देखो पी के क्या चीज है, पी के है पाथ गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। जो भी फॉरवर्ड पाथ होंगे, देखिए एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक इनपुट है एक आउटपुट है, इनपुट से आउटपुट जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? तो अलग अलग रास्तों का क्या क्या गेन होगा वो पी के है। जैसे फर्स्ट रास्ते का गेन निकाला वो हो गया, फिर दूसरे रास्ते का, फिर तीसरे रास्ते का, तो फॉरवर्ड पाथ का गेन है पी के, ठीक है? फिर है डेल्टा। ये डेल्टा थोड़ी अलग चीज है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या बनते हैं, काफी सारे लूप बनते हैं। क्या बनते हैं? लूप, मतलब जिस जगह से चले वहीं घूम के आ गए, एक रास्ता चल पकड़ के चलोगे और वहीं घूम के आ जाओगे, उसे लूप बोलते हैं। तो हमें अलग अलग लूप देखने होते हैं, उसकी मदद से हम लोग डेल्टा निकालते हैं, ठीक है? तो डेल्टा क्या है, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। क्या है डेल्टा? जैसे मान लो कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ है, उसमें हमारे पास 3 लूप है। कितने हैं? 3 लूप हैं। तो डेल्टा क्या होगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल दीज लूप्स, L1 प्लस L2 प्लस L3, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। जितने भी अलग अलग लूप है सबको ऐड कर दो, दैट इज 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। अब मान लीजिए इन लूप्स की पेयरिंग करनी पड़ती है, इन लूप्स की अब क्या करनी पड़ती है, पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करेंगे, जो भी 2 लूप आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं उन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो फिर लिखेंगे प्लस प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। मतलब कोई भी 2 ऐसे लूप पकड़ लो जो कि आपस में टच नहीं कर रहे, उन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। बस यहीं तक इंपॉर्टेंट है। कहां तक इंपॉर्टेंट है? यहां तक। इसके बाद वाला पेपर के अंदर नहीं आएगा, आप लोगों के एई हो या जेई का पेपर हो, ठीक है? इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूं। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, चलो बताओ। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, बताओ चलो फटाफट।
सभी के सभी लाइक नहीं कर रहे भाई सेशन को, और इतने कम बच्चे क्यों है सेशन में, ये क्या बात हुई? जल्दी बताओ कितने फॉरवर्ड पाथ है। देखो पाथ नंबर वन, देखो पहले वन पे चले, वन आया पहले ऐसे गए, फिर हम ऊपर पांच से चले गए, फिर चार और फिर एक, तो 1 × 5 × 4 × 1 जो भी बीच में मिलता जाए उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 20 आ गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो जाएगा भाई? देखो यहां से एक से चले, फिर 2, 4 और 1, ये हो गया P2 बराबर 1 × 2 × 4 × 1, मतलब 8 आ गया। और तीसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो जाएगा? देखो जैसे एक, फिर ये 3 और 4 और 1, जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो वो फॉरवर्ड पाथ, तो 1 × 3 × 4 × 1, मतलब कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए? 3। हर एक का गेन कितना आ गया? 1 का 20, 1 का 8, 1 का 12। क्लियर है? अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ लूप्स, लूप्स कौन कौन से हैं, ठीक है? तो देखिए लूप कौन कौन से हैं मेरे दोस्त, बताओ इसके अंदर लूप कौन कौन से हैं। देखो लूप मतलब होता है जिस नोड से चालू करें उसी नोड पर वापस आ जाए, ठीक है? तो देखो अगर मैं इससे चालू करूंगा तो 5 पे जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा और वापस -2 के थ्रू आ जाऊंगा, तो एक लूप ये हो गया 5 × 4 × -2, मतलब -5 × 20, -40। लूप 2, देखो 2 के थ्रू गया, 4 के थ्रू गया, -2 आ गया, तो 2 × 4 × -2, 8 दुनी -16। और लूप 3 क्या हो गया? लूप 3 हो गया 3 पे गए, 4 पे गए, -2, 3 × 4 × -2, तो लूप्स भी हमारे 3 बन रहे हैं, 12 दुनी -24। आ गई बात समझ? 3 लूप बन गए हमारे पास, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों लूप बनाए हैं L1, L2 और L3, क्या इनमें कोई भी दो लूप ऐसे हैं, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या कि जो आपस में नॉन टचिंग हो, जो लूप्स आपस में नॉन टचिंग हो, एक दूसरे से टच ना कर रहे हो, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है? जल्दी बताओ हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्या इन लूप्स में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपस में टच ना कर रहा हो? नहीं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो हम डेल्टा को क्या लिखेंगे? डेल्टा हो जाएगा 1 − सम ऑफ ऑल लूप्स, L1 + L2 + L3, क्लियर है? फिर हम लिखते प्लस, मान लीजिए अगर 1 और 2 आपस में टच नहीं कर रहे होते, ये और ये आपस में टच नहीं कर रहे होते, तो L1 L2 भी लिख देते, 2 3 आपस में भी टच नहीं कर रहे होते तो L2 L3 लिख देते, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना देते। लेकिन ऐसा है ही नहीं तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है? बस तो ये हो गया डेल्टा। अब क्या लिखना है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या होता है? देखो मेसन गेन फॉर्मूला, देखो समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n पी के डेल्टा के। अब ये डेल्टा के क्या है? डेल्टा के भी सिंपल है, डेल्टा के क्या है? उस लूप की वैल्यू है जो कि पी के वाले फॉरवर्ड पास से टच ना कर रहा हो, वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज नॉट टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। समझ गए? कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? जैसे कि कोई भी लूप इसमें पकड़ लीजिए, L1 पकड़ लो, अगर मैंने लूप 1 पकड़ा 5 4 − 2 ये वाला, ठीक है, मैं फॉरवर्ड पाथ देख रहा हूं P1, P1 फॉरवर्ड पाथ क्या है मेरा? ये रहा, ये फॉरवर्ड पाथ है और लूप है, आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं। अगर आप इसी फॉरवर्ड पाथ के लिए बाकी कितने भी लूप्स देख लो, हर फॉरवर्ड पाथ के लिए सभी लूप्स को चेक करना है, अगर कोई भी नॉन टचिंग हो रहा है तो डेल्टा के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हर फॉरवर्ड पाथ से सारे के सारे लूप टच हो रहे हैं, इसीलिए डेल्टा के नहीं आएगा, उसकी वैल्यू 1 रहेगी। क्लियर है ना? समझ गए? ठीक है, क्या बोला मैंने? जो भी फॉरवर्ड पाथ आप पकड़ोगे, जैसे P1 पकड़ लिया, अब मैं चेक करूंगा कोई भी लूप क्या नॉन टचिंग है, लेकिन नहीं है, तो Δ1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं P2 पाथ पकड़ूंगा, P2 पाथ कौन सा है? ये वाला P2 है। कोई भी लूप क्या इस पाथ से टच नहीं कर रहा? जी नहीं, सारे कर रहे हैं, तो फिर 1 हो जाएगा, और Δ3 भी इसी तरीके से 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? देखिए पहली बार में ग्रेस्प करना मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना भी आसान है इस टॉपिक का थोड़ा सा, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, आप लोग सुन तो सकते हैं, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
डेल्टा 3V1। क्लियर हुआ सभी को? बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलते जाओ। ठीक है, तो इसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 1 है। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, तीनों का सम कर देना होता है, P3 डेल्टा 3 डिवाइड बाय डेल्टा। बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा ट्रांसफर फंक्शन का, जल्दी बोलो। P1 डेल्टा 1 20 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा कितना है भाई मेरे पास? डेल्टा है 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। 1 माइनस L1 L2 L3 कितना? -40 -16 -24। 24 16 40 40 81 आ गए, 181। तो ये कितना आ जाएगा? 81। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया भाई? 20 8 28 12 40 अपन 81, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया, निकल के आ गया मस्त तरीके से, है कि नहीं? चलो बढ़िया। तो ट्रांसफर फंक्शन है सी बाय आर रेशियो कितना आ गया? 40/81। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा करेक्ट होगा इसमें? नंबर ऑफ लूप्स आर 3, नंबर ऑफ लूप्स 2 नहीं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास आर 3। तो 1 3 4 मतलब ऑप्शन हो गया बी। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, फटाफट से बता दो जल्दी से भाई। 20 मिनट लग गया केवल एक सिग्नल फ्लो ग्राफ को क्वेश्चन को समझाने में, जल्दी बताओ। चलो जल्दी बोलो। हाँ या ना? 1 3 4 क्लियर है एकदम, समझ में आया? ओके बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेसन्स गेन फॉर्मूला। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया, एक चीज समझाई। अब आपको मैं अलग से प्रैक्टिस शीट दे दूंगा कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप लोग बाद में उनको करते रहना, और जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो अप्रोच है आपको पता है, ये केवल LTI सिस्टम पर लगती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ की एक और चीज समझिए कि अगर हमें किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बदलना है, किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बदलना है, तो एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखो, जो भी समर है उसको सिंगल नोड में बदल देते हैं, समर को। टेक ऑफ पॉइंट को भी एक नोड में बदल देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिर एक चीज देखिए, अगर एक समर भी हो और एक टेक ऑफ पॉइंट भी हो, अगर समर के बाद टेक ऑफ पॉइंट आ रहा हो तो इसको सिंगल नोड मानते हैं, लेकिन अगर समर के पहले टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, पहले ये और फिर समर, तो इन दोनों को डबल नोड मानते हैं, दो नोड मानेंगे, एक नोड ऐसा एक नोड ऐसा, और ऐसे इसके बीच में गेन आ जाएगा। आगे बात समझ? मतलब इफ टेक ऑफ पॉइंट कम्स आफ्टर समर रिप्रेजेंट बाय सेम नोड, अगर टेक ऑफ पॉइंट समर के बाद आता है तो सेम नोड मान लेते हैं, नहीं तो नहीं। क्लियर है? शाबाश। चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम मॉडल से सॉल्व करना जाओगे, यहाँ पे फीडबैक वगैरह लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो बड़ा मुश्किल है। हमेशा कभी भी ब्लॉक डायग्राम आपके पास क्वेश्चन में आए तो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो, क्योंकि उससे फिर ट्रांसफर फंक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या सही क्या गलत को सोचने में बड़ा मुश्किल लगता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस ट्रांसफर फंक्शन से, इस ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, आप देखो, ये एक समर है और ये एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो समर और टेक ऑफ पॉइंट की जोड़ी को हम क्या मान ले? एक सिंगल नोड मान ले। तो पहला नोड हो गया ये, फिर यहां पर एक टेक ऑफ पॉइंट है और ये समर है, तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है मेरे भाई, ये समर से पहले आ रहा है, तो इसको हम दोनों को एक ही मान सकते हैं क्या? नहीं, इनको अलग अलग लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा नोड और ये हो गया तीसरा नोड। ठीक है, दूसरा नोड और तीसरा नोड, तो मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ में तीन नोड बनेंगे। तो मैंने तीन नोड बना दिए, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला नोड दूसरा नोड और तीसरा नोड। अब आप लोग देखो, जो तीसरा नोड है उसके बाहर से सी एस जा रहा है, तीसरे नोड के बाहर क्या जा रहा है? सी ऑफ एस। पहले नोड पे इनपुट क्या आ रहा है? आर ऑफ एस। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, पहले नोड से
दूसरे नोड पर, तीसरे नोड पर क्या जा रहा है? देखो ये वाला जा रहा है ना, ये कहां से कहां जा रहा है? पहले से तीसरे पर जा रहा है, तो पहले से तीसरे पर जा रहा है क्या? एच टू। फिर पहले से दूसरे पर क्या जा रहा है? ये है पहला और ये है दूसरा, इसके बीच में क्या जा रहा है? ये जा रहा है जी। तो पहले से दूसरे पर जा रहा है जी, समझ गए? पहले से दूसरे पर और पहले से तीसरे पर, क्लियर है? अब आप बताओ, दूसरे से जो दूसरा है उससे पहले पर फीडबैक जा रहा है कितना? ये माइनस के साथ एच वन, तो दूसरे से पहले पर क्या जा रहा है? माइनस के साथ एच वन। और दूसरे से तीसरे के बीच में देखिए कुछ नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे ऐसे कि वन है। क्या है? वन, वन मान लेंगे इसको, कुछ नहीं है मतलब वन मान लिया। कितने लोगों को ये सिग्नल फ्लो ग्राफ समझ में आ गया, जल्दी बताओ, हाँ या ना भाई? इससे ज्यादा आसान तरीके से नहीं समझ सकते हो तुम, समझ में आया? जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जितना प्यार से, वैसे नहीं समझ पाओगे इससे ज्यादा आसान से। क्लियर हुआ सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाया मैंने? ठीक है, वन टू थ्री, तीन नोड बना दिए मैंने, वन टू और थ्री। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? अब आप लोग मुझे देख के बताओ इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में, है ना, आप लोग अब देखिए इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को, अगर आप इसमें फॉरवर्ड पाथ निकालो तो कितने फॉरवर्ड पाथ आ रहे हैं बताओ? देखो एक फॉरवर्ड पाथ तो आ गया ये H2 वाला, यहां से चले फिर H2, फिर इधर आ गए, ये वन है, ये वन है, तो P1 कितना आ गया? H2। एक फॉरवर्ड पाथ ये आ गया, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या आ गया? ये स्ट्रेट लाइन वाला, ये वाला। तो दूसरे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू कितनी आ गई? जी जी ठीक है। अब आप क्या देखोगे इसमें मेरे भाई? लूप देखोगे। क्या देखोगे? लूप, लूप्स, लूप्स। तो आप बताइए लूप वन, कितने लूप बन रहे हैं इसके अंदर, जल्दी से बताओ। चलो लूप कितने बन रहे हैं? लूप देखो, एक लूप तो ये वाला बन रहा है, ये यहां से चले इधर गए और फिर ऐसे वापस आ गए, तो एक लूप वन बन रहा है जी इंटू माइनस एच वन, तो माइनस का जी एच वन, एक लूप ये बन गया। एक और लूप बन रहा है क्या बताओ? और कोई लूप बन रहा है? लूप कितने बन रहे हैं, एक या दो या कितने बन रहे हैं बताओ? क्या ये वाला लूप बनेगा? यहां से ऐसे चले एच टू पे गए, यहां गए, फिर वापस आने का रास्ता है क्या कहीं पे? क्या हम ऐसे वापस आ सकते हैं? नहीं, ऐसे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक ही लूप बन रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनस जी एच वन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लूप बन रहा है, दो नहीं बन रहे, एक लूप बन रहा है, लूप एक है, माइनस जी एच वन, और कोई लूप ही नहीं है बताओ। ऊपर से जाएंगे तो कोई लूप आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब आप बताइए डेल्टा वन और डेल्टा टू निकालना होता है। डेल्टा वन क्या होता है? वो लूप्स को कंसिडर करना है जो P1 को टच ना कर रहे हो। P1 हमारा ये है P1, बताइए। तो क्या इस वाले फॉरवर्ड पाथ को ये जो लूप बन रहा है ये टच कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ? बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो पहला वाला फॉरवर्ड पाथ बनाया है, ये वाला ऊपर वाला, क्या उसको ये जो लूप वन है हमारा वो टच कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है, देखो इस जगह कर रहा है ना, इस जगह टच कर रहा है, यहां से पाथ गया और लूप भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो टच कर रहा है, तो नॉन टचिंग कोई भी नहीं है, तो डेल्टा वन वन हो जाएगा। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, इससे भी ये वाला लूप टच कर रहा है, तो डेल्टा टू भी वन हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर टच कर रहा है तो हमारे लिए आसान है बस। अब ट्रांसफर फंक्शन निकाल दो, क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन? P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू डिवाइड बाय डेल्टा, और डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा क्या आ जाएगा? वन माइनस सभी के सभी लूप का सम, तो लेकिन लूप तो केवल एक ही है, तो आ जाएगा वन प्लस जी एच वन, ये डेल्टा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एच टू प्लस जी डिवाइड बाय वन प्लस जी एच वन, दिस इज अवर ट्रांसफर फंक्शन। आप सोचोगे कि सर इतना टाइम लगाएंगे पेपर में, 15 मिनट, तो हो गया हमारा पेपर क्लियर। मेरे भाई ये मैं आपको सिखा रहा हूं, पेपर के अंदर मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे आपको ये सब सोचने में, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है ना, बताओ क्लियर हो गया ट्रांसफर फंक्शन? क्या आंसर आ गया? बी आंसर आ गया, जी प्लस एच टू डिवाइड बाय वन प्लस जी एच वन, इट इज द करेक्ट आंसर। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ गया सभी को? ओके दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए आप लोग देखिए, ये एक्स टू से चालू हुआ और एक्स टू पर ही खत्म हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप।
क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप बोलते हैं मेरे भाई। तो देखो इसमें फॉरवर्ड पाथ कितना है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, कितना 10 × 1 बोले तो 10, और लूप कितना है, लूप भी एक ही है 0.5। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी 1, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, P1 है 10, डेल्टा 1 है 1, डेल्टा आ जाएगा 1 माइनस लूप, 1 माइनस लूप। तो 10/1 माइनस लूप इज 1 माइनस 0.5 इज 0.5, मतलब 20। बोलो भाई 20 आ गया आंसर, चकाचक हाँ कि ना। अरे बोल दो यार ऐसे क्यों करते हो, और भाई सबने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, सेशन तो लाइक कर दो करो। चलो क्लियर है, 20 आंसर आ गया इसका। ओके बहुत बढ़िया, यस ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर ही लिया। इस क्वेश्चन को बताइए, नॉन टचिंग लूप्स आर सेट टू बी नॉन टचिंग इफ, दो लूप्स को नॉन टचिंग कहते हैं कब, दो लूप्स को नॉन टचिंग कहते हैं कब, नॉन टचिंग लूप्स को नॉन टचिंग कहते हैं कब कहते हैं, दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, दे डू नॉट पास एनी कॉमन लूप, या व्हेन दे हैव मल्टीपल इनपुट। बताइए दो लूप्स आपस में नॉन टचिंग है कब। बिल्कुल सही, दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, जब उनमें कोई कॉमन नोड ना हो, जैसे कि मान लीजिए ये जी है, ये एच वन है, ये एच टू है, ये जी, ये एच थ्री है। अब हम देखें, मैंने ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसके अंदर कितने लूप हैं बताइए, इसके अंदर मेरे भाई 3 लूप है, एक लूप हो गया जी एच टू क्योंकि इधर से ही चले और इधर ही वापस आ गए, एक लूप हो गया जी एच वन क्योंकि इधर से ही चले इधर वापस आ गए, और लूप 3 हो गया हमारे पास H3। ठीक है, तो इसमें जो लूप 1 और लूप 2 है ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, लेकिन नॉन टचिंग कौन सा है, L1 और L3। नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं, इसमें से दो पेयर बन रहे हैं नॉन टचिंग लूप के, कौन कौन सा, देखो L1 L2, L1 L3 ये भी नॉन टचिंग है, L1 एंड L3, और L2 एंड L3 ये भी नॉन टचिंग है, समझ गए। तो क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नोड नहीं है, इसके नोड यहां पर है, इसके नोड यहां पर है, इसीलिए। बहुत बढ़िया शाबाश। इसको बताइए, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर अ लूप कंसिस्टिंग ए सिंगल ब्रांच एंड ए सिंगल नोड इज नोन एस, एक ऐसा लूप जिसमें एक ही ब्रांच और एक ही नोड हो, ऐसा क्या लूप है, कौन सा लूप है ये बताओ, अभी जस्ट बताया है मैंने, इससे पहले अभी बनाया, जस्ट अभी बनाया आपके सामने, बताओ एक ऐसा लूप जिसमें एक ही ब्रांच है एक ही नोड है भाई, वो कौन सा लूप हो जाएगा, सेल्फ लूप। क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप, ये जो लूप है ये सेल्फ लूप है, ठीक है क्लियर है ना, एक ही नोड है एक ही ब्रांच है, दैट इज सेल्फ लूप। शाबाश। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ पोलर प्लॉट नहीं, बोडे प्लॉट नहीं, ट्रुथ टेबल नहीं, टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम जो बनता है वो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद बनता है ना, S/S+1 ऐसे एस एस आता है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से बनती है, और फिर उससे हम मॉडल वगैरह बनाते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। चलो ओके आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ इसमें पूछ रहा है, सॉरी इसमें सेंसिटिविटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेंसिटिविटी। हाँ या आप लाप्लास भी याद करने होंगे मेरे भाई, बिल्कुल, सेंसिटिविटी ओपन लूप का क्लोज लूप सिस्टम का। तो देखिए ओपन लूप सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है वो 1 होती है, समझ गए, और क्लोज लूप सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है वो 1/1 + GH होती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, ओपन लूप की 1 और क्लोज लूप की 1/1 + GH। आप मुझे बताओ
सेंसिटिविटी किसकी कम है, किसकी कम है या किसकी ज्यादा है, किसकी कम है सेंसिटिविटी, ये बताइए। सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज लेस देन सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए? जी नहीं। हम क्या बोलते हैं लाइफ में, रफ टफ बनिए, है ना, मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, मतलब सेंसिटिव मत होइए, छोटी छोटी चीजों का बुरा नहीं मानना है, समझ गए ना। तो हम बोलते हैं भाई सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की कम है, ओपन लूप की ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम, होनी चाहिए कम, और क्लोज लूप में कम होती है, ठीक है, 1/1 GH है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब आ जाओ अगले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। अगला आधा घंटा हम लोग बहुत ही खतरनाक और मस्त मस्त चीजें पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या तैयार हैं सभी टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए? बोले भाई, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स स्टार्ट करें। इस सब्जेक्ट में बच्चों को बड़ा ही कम इंटरेस्ट है मुझे लग रहा है, साला डिमांड तो इतने सारे बच्चों की आ गई कि पढ़ाओ पढ़ाओ कंट्रोल। चलो बताओ अभी स्टार्ट करें इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, हाँ या ना, फटाफट सब लोग तैयार हैं? बोलो भाई। चलो ठीक है, अब देखो टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब है किसी भी सिस्टम का हमें टाइम के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करना है कि किस टाइम पर सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। तो कोई भी जो सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब एक सर्किट की बात चल रही है, उस सर्किट पर, उस सिस्टम पर हम लोग, या कोई मशीन ले लीजिए, कोई इंसान ले लीजिए, कोई रोबोट ले लीजिए, हर चीज एक सिस्टम है। अगर हम उस पर इनपुट लगाते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, लेकिन उसको आने में टाइम लगता है। तो उसी की एनालिसिस चल रही है कि कितना टाइम लगेगा आउटपुट को पहुंचने में। तो हम लोग एनालिसिस करने के लिए दो तरीके के रिस्पॉन्स मान के चलते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि एक है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एक है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट मतलब जीरो से लेके उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और स्टडी स्टेट मतलब अब वो अपनी डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच गया है, ठीक है। तो आउटपुट धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब तक फाइनल वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक ट्रांजिएंट है, और उसके बाद स्टडी स्टेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स है, सिस्टम का आउटपुट है, वो दो चीजों से मिलके बनता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स से। अब बात करते हैं टाइप एंड ऑर्डर की। किसकी बात कर रहे थे मेरे भाई, टाइप की और ऑर्डर की? टाइप एंड ऑर्डर, ये टाइप एंड ऑर्डर क्या होता है? हाँ, UPMRC में बहुत ज्यादा आता है भाई टाइम डोमेन। टाइप एंड ऑर्डर देखो, ट्रांसफर फंक्शन दो तरीके के हैं, एक ओपन लूप एक क्लोज लूप। जो टाइप कैलकुलेट करते हैं वो ओपन लूप पे कैलकुलेट करते हैं, टाइप जो कैलकुलेट होता है वो ओपन लूप से कैलकुलेट होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 1/S+1, फिर दूसरा है 1/S3S+1, तीसरा है 1/S²S+1S+2। आप मुझे बताइए पहले वाले का टाइप कितना है? टाइप होता क्या है? टाइप होता है मेरे दोस्त क्या, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। ओरिजिन पर जितने भी पोल्स हैं वो टाइप की वैल्यू है। जैसे कि इसमें देखेंगे तो इसमें पोल कहां पर है, इस वाले में, इसमें पोल है -1 पर, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो टाइप कितना हो गया, 0, क्योंकि कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। इसमें ओरिजिन पे कितने पोल है, 3, तो इसका टाइप हो गया 3। इसमें ओरिजिन पे कितने पोल है, 2, तो इसका टाइप हो गया 2। तो सबको टाइप समझ में आ गया, आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर निकालते हैं हम किससे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ऑर्डर किससे निकालते हैं मेरे भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है। अब ऑर्डर निकालेंगे कैसे,
इस डिनोमिनेटर को देख के, इस डिनोमिनेटर को, इसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारा ऑर्डर होगा। डिनोमिनेटर में एस की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगा मेरा दोस्त? ऑर्डर। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एस का मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए ऑर्डर, बताइए इसका कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जल्दी बोले, इसका ऑर्डर कितना है? संभवी ऑर्डर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से जनरली डिफाइन करते हैं, आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ऑर्डर मत बताइए। इसका ऑर्डर कितना है जल्दी बताओ, इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर कितना है इस वाले का, जल्दी बोलो भाई। हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितनी है डिनोमिनेटर की, ये नहीं बता पा रहे हो देख के? तुम्हारे सर ने कहा था तो तुम उन सर से पढ़ लो, यहां पे मत करो फिर, उन सर से ही पढ़ो मेरे दोस्त। तो देखो ऑर्डर है इसका चार, कितना ऑर्डर है इसका? चार, क्योंकि एक एस की पावर वन ये, एक एस की पावर वन ये और दो ये। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सारे एस को तो एस की पावर फोर आएगा डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा, इसीलिए ऑर्डर कितना हो गया इसका? फोर हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो जितने भी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होती है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, क्लोज लूप की, वो ऑर्डर होता है और ओपन लूप से निकलता है टाइप। ठीक है, चलिए शाबाश, टाइप वन नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, काहे टेंशन ले रहे हो? देख अबे टाइप ओपन लूप के लिए निकलता है, ऑर्डर क्लोज लूप से निकलता है, समझ गए? अगर क्लोज लूप दे रखा है तो डायरेक्टली टाइप नहीं बोल सकते। चलो अब आ जाओ एरर पे, किस पे? एरर पे। तो देखो टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर जो एरर निकालने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके काफी सारे क्वेश्चन पेपरों में रिपीट होते हैं। ठीक है, एरर क्या मतलब है? एरर है ये जो यहां से फीडबैक निकल के आया है एच ऑफ एस और ये जो इनपुट है आर ऑफ एस, इन दोनों को यहां पे समिंग पॉइंट पे कंपेयर किया जाता है, ये माइनस है ये प्लस है, तो एरर किसके बराबर है? आर एस माइनस बी एस। ये आपको इन सबसे मतलब नहीं है, आप अगर कुछ याद रखना चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो, ये पेपर में शायद पूछ सकता है। एरर किसके बराबर है? आर अपॉन वन प्लस जी एच। एरर क्या होता है, कैसे आया? आर एस माइनस बी एस, बी एस एस सी एस इंटू एच एस, उससे सॉल्व करके यहां से आ गया एरर इज आर एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। तो इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने बॉक्स बनाया है वो। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, एरर कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने कुछ इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ एरर जनरेट होगा क्योंकि आउटपुट जो है वो फीडबैक के थ्रू वापस आ रहा है। ठीक है, तो फीडबैक और इनपुट को कंपेयर करेंगे तो एरर हमें पता चल जाएगा। तो एरर बेसिकली क्या होता है, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग एरर होएगा। हमारे पास अलग अलग टाइप के इनपुट होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, जैसे कि कल एक क्वेश्चन किया था हमने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट इज, तो उसका आंसर आप लोगों ने दिया था अगर कल का लेक्चर देखा है, कि सर स्टेप इनपुट है ना, स्टेप इनपुट सबसे कॉमन इनपुट है। तो और कौन कौन से हो सकते हैं? इम्पल्स इनपुट हो सकता है, स्टेप इनपुट हो सकता है, रैंप इनपुट हो सकता है और पैराबोलिक इनपुट हो सकता है। ठीक है, जो फिजिकली पॉसिबल है वो तीन है, इम्पल्स वाला फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, तीन तरीके के इनपुट हैं और हमारा सिस्टम, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये, इसका टाइप क्या है और इनपुट कौन सा है, इन दोनों को कंपेयर करके एरर की वैल्यू निकलती है। किस किस को कंपेयर करके? इनपुट को और इस ब्लॉक डायग्राम में जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसके टाइप को। टाइप देखते हैं, टाइप वन सिस्टम है, टाइप टू सिस्टम है, टाइप थ्री सिस्टम है या टाइप जीरो है, और इनपुट देखा जाता है। ठीक है ना, चलिए अभी इन पे मैं आऊंगा, केपी केवी के पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसको देखो पहले।
देखिए ये एक चार्ट है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है? जैसे कि मैंने बात की टाइप जीरो की, वो आप बराबर मानिए यूनिट स्टेप इनपुट के। किसके इक्विवेलेंट मानिए? टाइप जीरो को स्टेप इनपुट के साथ दे दीजिए। जैसे हम कपल कपल खेलते हैं ना, जोड़ी बना देते हैं, ठीक है? तो तीन जोड़ियां बनेंगी, टाइप जीरो की जोड़ी मैचिंग बनेगी स्टेप इनपुट से, टाइप वन की मैचिंग बनेगी रैंप इनपुट से, और मेरे दोस्त टाइप टू की जोड़ी बनेगी पैराबोलिक इनपुट से। मैंने आपको इंपल्स के लिए मना किया ना, तो यही तीन होते हैं बस, ठीक है? टाइप जीरो की जोड़ी किसके साथ बनानी है? स्टेप। टाइप वन की रैंप और टाइप टू की पैराबोलिक। आई बात समझ या नहीं? हाँ साहब आ गई, ठीक है ना? ओके, अब मेरी बात एक अब मुझे एक बात बताओ, ये जोड़ी जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब क्या है? जब जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका टाइप जीरो हो और इनपुट स्टेप लगाएं, तो एरर की वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइट। जैसे कि देखिए ये टाइप जीरो है और हमने इनपुट लगाया है स्टेप इनपुट, तो एरर जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है? फिर हमने टाइप वन सिस्टम लिया मान लीजिए, तो इनपुट कौन सा लगाना पड़ेगा? रैंप इनपुट, तब जाके एरर की वैल्यू फाइनाइट आएगी, तो एरर ये निकल के आया। फिर हमने टाइप लगाया टू, टाइप टू सिस्टम है और इनपुट लगाया पैराबोलिक, तो एरर ये निकल के आया। इन तीनों के अलावा बाकी हर एक केस में कुछ ना कुछ लोचा है, या तो वैल्यू जीरो है या तो वैल्यू इनफाइनाइट है, वो कब होगी वो देखा जाएगा, ठीक है? तो एरर को हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टम का टाइप देख के और इनपुट देख के, ठीक है? टाइप जीरो सिस्टम है और इनपुट स्टेप है तो एरर आएगा, टाइप जीरो से टाइप वन सिस्टम है रैंप इनपुट है तो भी एरर आएगा, और टाइप टू सिस्टम है पैराबोलिक इनपुट है तो भी एरर फाइनाइट आएगा। एरर आएगा मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी। इतनी बात भेजे में घुस गई? आई होप घुस गई होगी, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये जो के है ये क्या है? ये है केपी, ये है केवी और ये है के ए। केपी केवी केपी केवी और के ए। केपी किसके लिए है? स्टेप के लिए। केवी किसके लिए? रैंप इनपुट के लिए। और के किसके लिए? पैराबोलिक के लिए। अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है ये, के है, ठीक है? तो इनका फॉर्मूला क्या होता है वो ये रहा। केपी मतलब पोजीशन एरर कांस्टेंट, लिमिट एस अप्रोचिंग टू जीरो जीएसएचएस, क्योंकि ये किसके लिए था? टाइप जीरो के लिए, इसीलिए यहां पे कोई भी एस नहीं है, ठीक है? पोजीशन एरर कांस्टेंट केपी किसके लिए है? जब स्टेप इनपुट लगाया मतलब टाइप जीरो, तो कोई भी एस नहीं है। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट मतलब केवी, ये कब निकलता है? देखो आर अपॉन के वी, जब रैंप इनपुट लगाते हैं टाइप वन के लिए, तो यहां पे एक एस लगा दिया। देखो टाइप वन बता रहा है ना, एक पोल ओरिजिन पर है, तो एक एस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूले याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है? और फिर एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है, इसमें एस स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? एस स्क्वायर जी एस एच एस, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो केपी केवी के का फॉर्मूला है ये, इनको हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे? लिमिट एस अप्रोचिंग टू जीरो जीएस इंटू एच एस, जीएस ये रहा एच एस ये रहा, ठीक है भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एस को जीरो रखेंगे केपी आएगा। अगर हमें और कुछ निकालना है तो केवी भी निकाल सकते हैं, के भी निकाल सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है? फिलहाल इतनी बात समझ में आई? आई। अब इसमें जो इन्फिनिटी और जीरो है इसको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी नहीं तो। देखो इस क्वेश्चन को देखो प्यार से ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम दे रखा है टेन अपॉन एस प्लस वन। फटाफट मुझे इसका टाइप बता दीजिए, क्या है इसका टाइप मेरे दोस्त? और टाइप ओपन लूप के लिए निकलता है, क्लोज लूप के लिए नहीं निकलता है। इसका टाइप कितना है? टाइप जीरो है। टाइप क्या है? जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी पोल्स ओरिजिन पर नहीं है, है ना? एक पोल है माइनस वन पे, लेकिन ओरिजिन पर कोई भी नहीं है, तो टाइप जीरो है इसका, ठीक? अब हमें निकालना है एरर।
एरर निकालने के लिए हमें देखना होगा इस ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट कौन सा लगाया गया है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक सिस्टम है, इस पे इनपुट कौन सा आ रहा है? तो देखो, यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल लगाया गया है। क्या लगाया गया है? यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल। यूनिट स्टेप मतलब 1 यूनिट का स्टेप सिग्नल। आप मुझे बताइए, एरर की वैल्यू फाइनाइट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, इन दोनों का तो कपल बैठ गया, संबंध बैठ गया है ना। टाइप 0 और स्टेप इनपुट एक साथ, Type 1 रैंप इनपुट एक साथ, Type 2 पैराबोलिक इनपुट एक साथ। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट एरर कितना आएगा? देखो R/1+KP, इसको R भी लिख सकते हैं, इसको A भी लिख सकते हैं। ये A क्या है? जस्ट मैग्नीट्यूड है इनपुट सिग्नल का, मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। और यहां पे इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप मतलब 1, तो A की वैल्यू 1 है बेसिकली, ठीक है। तो स्टडी स्टेट एरर कितना आ गया? 1/1+KP। अब सिर्फ और सिर्फ केपी पर मामला टिका है। किस पर मामला टिका है? केपी पे। केपी कितना होता है? पोजीशन एरर कांस्टेंट होता है, लिमिट एस अप्रोचिंग टू 0 GS इनटू HS। देखो, ऑपरेटेड एज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। फीडबैक कितना है? यूनिटी। तो 1 हो गई वैल्यू, अगर नहीं भी दिया हो तो 1 मान लेना। लिमिट एस अप्रोचिंग टू 0 GS कितना है? 10/S+1। यही तो है 10/S+1 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। कितना आ गया? 10 आ गया, केपी आ गया 10। तो स्टडी स्टेट एरर कितना आ गया? 1/11। क्या बोलते हैं दोस्तों, हां कि ना बताइए, चमका या नहीं चमका बता दीजिए। चमक गया 1/11, बोलो भाई जल्दी बोलो फटाफट। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके हम, है ना। 1/11 चमक गया। हमने इनपुट लगाया था स्टेप और टाइप था 0, इसीलिए एरर की वैल्यू आई A/1+KP, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, सी इज करेक्ट आंसर, 1/11। यस, अब इस क्वेश्चन को बताइए, पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर्स ऑफ ए टाइप 2 सिस्टम आर। देखिए, पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर्स ऑफ ए टाइप 2 सिस्टम। देखो, हमारे पास सिस्टम है टाइप 2 और हम इनपुट लगा रहे हैं कौन सा? पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर्स, मतलब एक बार लगा रहे हैं स्टेप इनपुट। पोजीशन एरर मतलब स्टेप इनपुट वाला, स्टेप इनपुट निकालना है। पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। पोजीशन किसके लिए होता है? स्टेप के लिए। वेलोसिटी रैंप के लिए, एक्सेलरेशन पैराबोलिक के लिए। फिर हमारे पास टाइप 2 सिस्टम है और हम लगा रहे हैं रैंप इनपुट, तो हमें बताना है एरर कितना आएगा। देखिए, सिस्टम जब बड़ा हो, टाइप 2 है लेकिन इनपुट छोटा है, स्टेप इनपुट टाइप 0 के लिए बना था, रैंप इनपुट टाइप 1 के लिए बना था, तो कुछ ना कुछ एरर आता। अब सिस्टम बड़ा है, टाइप 2 सिस्टम है, और छोटे छोटे इनपुट लगाया स्टेप और रैंप, तो कोई एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, 0-0 आ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब मुझे ये बताइए, अगर हमारे पास टाइप 1 सिस्टम होता और मैं इसमें स्टेप इनपुट लगाता तो एरर कितना आता है, ये बताओ। ये क्वेश्चन से अलग हट गया है। और मेरे पास टाइप 1 सिस्टम होता और मैं इसमें, या फिर टाइप 0 सिस्टम होता और मैं इसमें रैंप इनपुट लगाता तो एरर कितना आता, बताइए। टाइप 1 सिस्टम में स्टेप इनपुट लगाते तो एरर कितना आता? यस, 0 आता। कितना आता? 0। टाइप 1 सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम बड़ा है, इनपुट छोटा है, स्टेप इनपुट लगा रहे हैं तो एरर नहीं आएगा, 0 आएगा। लेकिन टाइप 0 है और रैंप इनपुट लगा रहे हैं, टाइप छोटा है, सिस्टम सिस्टम छोटा है, टाइप छोटा है ना, और इनपुट बड़ा है रैंप इनपुट, तो फिर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अरे वाह भाई वाह, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, वाह 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 वाह, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब एक चीज और देखिए, आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। देखिए, आप इसमें फॉर्मूला देख लीजिए, ये एरर का फॉर्मूला है, एरर बराबर R/1+KP। यहां पे भी एरर है R/KV, यहां पर भी एरर है R/KA। आप तीनों फॉर्मूले देख लीजिए, एरर
और जो कांस्टेंट है केपी केवी के, वो हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के। समझ गए? एरर क्या है? कांस्टेंट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्त। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर बताइए, तो जीरो जीरो आ गया। अगर कोई पूछता के पी निकालिए, कोई पूछता के वी निकालिए, क्योंकि स्टेप इनपुट के लिए के पी निकालना पड़ता है, रैंप इनपुट के लिए के वी निकालना पड़ता है। एरर कांस्टेंट पूछता, पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, फिर क्या होता बताइए? स्टेडी स्टेट एरर जीरो है, तो के पी क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, समझे? और के वी कितना आएगा? 1/0 मतलब इनफाइनाइट। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, एरर और उसका कांस्टेंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरर अगर जीरो है तो कांस्टेंट इनफाइनाइट आएगा, बस इतना बोलना चाह रहा हूं। क्या ये बात भी चमक गई सभी को? बोल बे, क्लियर है या नहीं? बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा यार, बताओ जल्दी। क्लियर है ना? इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके चलिए, आप लोग अब इसका आंसर दीजिए। चलिए, टाइप टू सिस्टम है, रैंप इनपुट पूछ रहा है, रैंप इनपुट दे रखा है। स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू ए रैंप इनपुट फॉर अ टाइप टू सिस्टम इज, बताइए एरर कितना आएगा? जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। टाइप टू है, रैंप इनपुट कितना आएगा एरर? शाबाश, जीरो आएगा। बहुत ही बढ़िया, जीरो 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 जीरो, शानदार। और अगर एरर कॉन्स्टेंट पूछता, रैंप इनपुट के लिए अगर हमसे पूछता, बताइए वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वो कितना आएगा? बताओ वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कितना आएगा? एरर जीरो, बी क्यों लिख रही है शब्द अभी? यस, इन्फिनिटी आएगा। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। एरर जीरो तो वो इनफाइनाइट, के वी। पूछा क्या था? स्टेडी स्टेट एरर, तो एरर कितना आ जाएगा? जीरो मतलब ए। ठीक है, एरर कितना आ जाएगा दोस्तों? जीरो आ जाएगा, ए आ जाएगा। शाबाश, एरर कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको बताओ, इसको बताओ, व्हाट इज द स्टडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम? देखो यूनिटी फीडबैक है, हैविंग जीएस दिस ड्यू टू यूनिट रैंप इनपुट। अब देखिए, जी ऑफ एस इक्वल टू 1/s × s+1, जी ऑफ एस इक्वल टू 1/s × s+1। इसमें हम क्या लगा रहे हैं मेरे भाई? यूनिट रैंप इनपुट। कौन सा टाइप है ये? टाइप वन सिस्टम है मेरे दोस्त। तो इसका एरर क्या आएगा? इसका एरर फाइनाइट वैल्यू आएगी। टाइप वन है और रैंप है, दोनों एक दूसरे के साथ ही, तो यूनिट रैंप इनपुट है मतलब 1/kV। रैंप इनपुट होता तो a/kV, 2 टाइम्स रैंप इनपुट होता तो 2/kV हो जाता है। यूनिट रैंप इनपुट है तो 1/kV। निकालना क्या है? केवी निकालना है। केवी, केवी कैसे निकालते हैं? लिमिट एस अप्रोचिंग टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस, ठीक है? सो लिमिट एस अप्रोचिंग टू जीरो एस इंटू जी एस कितना है? 1/s × s+1, और एच एस कितना है? यूनिटी फीडबैक मतलब 1। तो कितना आ गया भाई? 1 आ गया। केवी भी कितना आ गया? 1। तो एरर कितना आ जाएगा? 1/1 मतलब 1। बोल रहे हाँ कि ना? चमका हाँ या ना, जल्दी बोलिए, फटाफट बताइए, फटाफट। चमका या नहीं? चमका या नहीं? चमका या नहीं? क्लियर एकदम? सबको समझ में आ गया? सिग्नल फ्लो ग्राफ बताया मैंने आपको, टाइप ऑर्डर बताया, और एरर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अब इसका आंसर आप लोग को देना है। डैम्पिंग वाली चीज हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो डैम्पिंग होता है, अलग अलग टाइप का, अनडैम्ड, नेचुरली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प्ड, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टीडी, डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले टॉपिक से। इसको अपन लोग कल कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक्साइटेड बाय यूटी, टीयूटी,
टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी, यू टी मतलब स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। मतलब ये जस्ट हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला पूछ रहा है। स्टेप देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस के पी, रैंप देंगे तो 1 अपॉन के पी, पैराबोलिक देंगे तो 1 अपॉन के। आंसर क्या हो जाएगा देखो, ध्यान देना, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बी और डी इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप, है ना। वो कह रहा है सी, अबे गधेड़े तेरी तो साले, 2 पोल प्लस के पी नहीं गलत, 1 अपॉन 1 प्लस के पी होता है, ए और सी तो वैसे ही गलत, बी और डी दोनों में हो सकता है मामला सेट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही मस्त सा कॉन्सेप्ट बताता हूं यहां पे, ठीक है ना। देखो 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 देखो, इसका आंसर हो जाएगा वैसे क्या, इसका जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका डी। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, मेरी बात सुनना, बी नहीं होगा डी होगा। देखिए संभवी, देखिए हमारे पास टाइप टू सिस्टम है और हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी इनपुट है, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक इनपुट। तो जो एरर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1 अपॉन के ए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास टाइप टू सिस्टम है, ये जो टी स्क्वायर अपॉन टू वाला फंडा है ना, यही क्लियर कर रहा हूं, ये मेरे पास ऐसे दे रखा है टी स्क्वायर यू टी, और मुझे क्या निकालना है, एरर निकालना है, क्या निकालना है एरर। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट होता है, क्या स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट क्या है, टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी स्टैंडर्ड है। क्या है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 1 अपॉन के ए, इस वाले इनपुट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में टी स्क्वायर यू टी दे दिया तो आपको इसे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 का डिवाइड करके। तो ये है स्टैंडर्ड, तो अब आप बताइए एरर क्या आएगा, 1 अपॉन के आएगा या 2 अपॉन के आएगा, बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन के या 2 अपॉन के, ये बताओ। अब तो दिख ही रहा है साफ साफ गधे, अब तो दिख ही रहा है साफ साफ, जल्दी बताओ तो। चलो शाबाश, 2 अपॉन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ओके, यस, वेरी गुड। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक यहां पे एक आपके लिए स्टैंडर्ड वो लेता हूं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, देखिए मान लीजिए मेरे पास टाइप टू सिस्टम है और मैं यहां पे इनपुट में दे रहा हूं टी यू टी प्लस यू टी प्लस 5 टी यू टी प्लस 6 टी स्क्वायर यू टी, ठीक है। तो आपको बताना है एरर की वैल्यू कितनी आएगी, ए ऑप्शन 1 अपॉन 1 प्लस के पी प्लस 5 अपॉन के वी प्लस 6 अपॉन के बी, बताइए क्या आंसर आएगा।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं वो लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए हैं, ठीक है ना, शाबाश। देखिए, क्योंकि देखिए अगर मैं स्टेप सिग्नल टाइप टू है और स्टेप सिग्नल लगाऊं तो टाइप मेरे पास बड़ा है लेकिन छोटा सा इनपुट लगा रहा है स्टेप, तो एरर जीरो। टाइप टू है लेकिन छोटा सा इनपुट लगा रहा है रैम, तो एरर जीरो। फिर ये 60 स्क्वायर यूटी है, इसको मुझे स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। तो ये बन जाएगा कितना, 12 t² / 2 ut। तो ये है स्टैंडर्ड। तो इनपुट कितना गया, 12, तो आ जाएगा 12/k। समझ में आ गया, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ कैन द स्टडी स्टेट एरर इन अ सिस्टम बी रिड्यूस्ड। स्टडी स्टेट एरर को घटा कैसे सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग टाइप, बाय इंक्रीजिंग गेन, बाय इंक्रीजिंग इनपुट, बाय डिक्रीजिंग स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट। बताइए, स्टडी स्टेट एरर को घटाना है। स्टडी स्टेट एरर हमेशा एरर कॉन्स्टेंट या सिस्टम का गेन, ये भी के ही होता है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो एरर कॉन्स्टेंट के है वो सिस्टम का गेन भी कहलाता है, दैट इज द गेन ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम गेन को बढ़ा देंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्या कर देंगे, गेन को बढ़ा देंगे। तो बाय इंक्रीजिंग सिस्टम गेन, गेन को बढ़ाएंगे तो एरर अपने आप कम हो जाएगा। ओके, शाबाश, बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन है नहीं, अब टाइम रिस्पॉन्स आ गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये सब कुछ, डैम्पिंग वगैरह, ये सब हम लोग कल से देखेंगे। बताइए, क्लियर हुई आज की क्लास, बोलिए हाँ या ना, कैसा लगा, समझ में आए कॉन्सेप्ट्स। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, और सभी के सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास समझ में आई या नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। ओके, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, हेलो, मौत आती है थोड़ा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल के दिन मैं एक और सेशन लूंगा आपके लिए, और वो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का जो चैप्टर है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। डैम्पिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाऊंगा। यूपीएमआरसी में जेई के पेपर के लिए आपको ये टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस तक ही पढ़ के जाना है, फिर वो जो बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, राउ थर्मिड्स, रूट लोकस वगैरह, ये सब आपके पेपर में नहीं आ रहा है। मैंने जेई का पेपर देखा पूरा, एससीटीओ का भी देखा, उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं। तो आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के चैप्टर तक कवर करके जानी है चीजें, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस और राउत एंड रूट लोकस की जरूरत नहीं है। तो कल की क्लास आप लोग के जेई के पेपर के लिए लास्ट क्लास होगी कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है, चलिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को मजा आया हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश की है, अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को इसको रिवाइज करना है, अंडरस्टूड। चलिए मैं चलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, थैंक यू भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, एंजॉय एवरीवन, बाय, टेक केयर।